ये टेस्टी सा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मैदा। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से छान लेंगे। मैदा अच्छे से छानने के बाद इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे मैदे में। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। ये लिया है मैंने एक गिलास पानी। इसे हल्का हल्का पानी डालेंगे मैदे में और इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से डो लगा लिया है। अब इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने दो लिए हैं आलू उबले हुए। इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्चें काट ली हैं, थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक डालेंगे। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब बनाते हैं दूसरी वाली स्टफिंग। इसके लिए एक लेंगे मिक्सी का जार और ये ली है एक कटोरी उबली हुई मटर और इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। पानी नहीं डालना है इसमें। मटर को हल्का दरदरा पीस लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को। अब इस आटे की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। इस आटे की लोई बनाएंगे अच्छे से। हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे लोई पर और इसे अच्छे से बेल लेंगे। लोई को ना ज्यादा मोटा बेलना है ना ज्यादा पतला। लोई को अच्छे से बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले रखेंगे मटर। थोड़ी सी जगह पीछे से छोड़ कर रखेंगे। इसमें रख देंगे आलू की स्टफिंग जो हमने बनाकर तैयार की थी। ये नाश्ता दो लेयर का बन रहा है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। अब सबसे पहले हम पीछे से उठाएंगे इसे और आगे की तरफ बंद कर देंगे, अच्छे से चिपका देंगे इसे। अब आगे की तरफ इसमें कट लगाएंगे। अच्छे से कट लगा देंगे थोड़ा सा छोड़कर। इसे चिपकाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, ताकि ये खुले ना हमारा नाश्ता। इस पर पानी लगा देंगे और ये लेयर उठाएंगे और इसकी ऐसे रख देंगे इसके ऊपर को और इन्हें ऐसे मोड़ देंगे थोड़ा सा। और फोक से इस पर डिजाइन बना देंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन वाला नाश्ता बन गया। ऐसे ही हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे।
अब एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इनको फ्राई कर लेंगे। अब इनको निकाल लेंगे, अच्छे से सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा लगता है लाजवाब नाश्ता। ये दो लेयर वाला नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा सभी को, तो आप जरूर से जरूर बनाइएगा इस नाश्ते को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।